नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो जयपुर की पत्रकार कॉलोनी से आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रशासन की बेरुखी से मुख्य बाजार में बह रहा गंदा पानी, व्यापारी वे आमजन परेशान। कस्बे के गढ़गौन बाजार स्थित रामदेव जी महाराज के मंदिर के सामने गंदे पानी की नाली अवरुद्ध हो जाने के कारण मुख्य बाजार की सड़क पर गंदा पानी बहने से व्यापारी व आमजन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भाजपा के लिए युवा नेता गोविंद सिंह बड़गुजर ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष रतन राजौरा स्वयं इसका अवलोकन कर चुके हैं। इसके पश्चात भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मुख्य बाजार में गंदा पानी बहने से सड़क से निकलने वाले छोटे वाहनों से छींटे पड़ने पर राहगीरों के कपड़े व सामान तक खराब हो जाते हैं। वहीं गंदे पानी की वजह से वहां पर मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार के रोग होने की संभावना है। इस कारण स्थानीय व्यापारियों में भी बड़ा रोष व्याप्त हो रहा है। फुलेरे से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा की खास रिपोर्ट।